नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी में प्रमुख पार्टियां अभी से जुट गई है। विपक्षी दल अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, तो सत्तारूढ़ बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने के लिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले उत्तर प्रदेश के मुगलसराय स्टेशन और इलाहाबाद का नामकरण हुआ, तो अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पर्वतों की रानी शिमला का नाम बदलने का समर्थन कर रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द ही टूरिस्टों को टिकट बुक करते समय शिमला के बदले श्यामला पर क्लिक करना पड़ेगा। हमारा एक ही सवाल है, आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, शहरों के नाम या फिर लोगों के लिए काम? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बड़ा ही फेमस डायलॉग है, नाम में क्या रखा है, लेकिन देश में आजकल नाम बदलने की राजनीति तेज हो गई है। पहले 1862 में बने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। उसके बाद हाल ही में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। बीजेपी के मंत्री नेम गेम का समर्थन भी कर रहे हैं। मैं तो मांग करूंगा कि पूरे देश में, बिहार में भी जो नाम मुगलों के नाम से जुड़ा हुआ है, उन नामों को हटाना चाहिए। बीजेपी के गिरिराज सिंह की बात तो आपने सुन ही ली, भले ही सैकड़ों साल पुराना नाम ही क्यों न हो, लेकिन उसे बदल कर ही रहेगी सरकार। मुगल सराय और इलाहाबाद के बाद अब खबर है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का नाम बदलकर उसे श्यामला करने की कवायद हो रही है। इतना ही नहीं, आगे भी कई शहरों के नाम बदलने का प्रपोजल दिया गया है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद को संभाजीनगर बदलने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह हैदराबाद को भाग्यनगर करने का प्रपोजल रखा गया है। शहरों का नाम बदलने पर आम जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। नाम चेंज करने से तो बिल्कुल विकास नहीं होता, ये तो मूर्खता है, ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। पहले गवर्नमेंट जो भी है उनको पहले देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। लोगों के बहुत सारे टॉपिक है जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बोलिए, एजुकेशन बोलिए, वो छोड़ के हर कोई अभी नाम चेंज पे पड़ा हुआ है। विकास तो बहुत दूर की बात रही है, इससे तो और सांप्रदायिक शक्तियाँ बढ़ेगी। मिरर नाउ का बड़ा सवाल, क्या काम करने से ज्यादा जरूरी है जगह का नाम बदलना? ये राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए जगहों का नाम तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक फायदा किसी भी रूप में नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। और यही सवाल हम लेकर आए हैं, नाम या काम, सबसे अहम क्या है, नाम है या काम है, ये पूछेंगे हम। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए जूही सिंह, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है अनिता अग्रवाल, भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है शरद प्रधान, सीनियर जर्नलिस्ट है सईद अफजल अब्बास जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले सवाल करना चाहूँगा जूही सिंह आपसे, क्योंकि लगातार इस तरह के नाम बदलाव पर चर्चा होती आ रही है, लेकिन क्या नाम बदलने से राजनीति जो है वो सिर्फ राजनीति है आपको लगता है, या फिर कुछ काम भी होने चाहिए इससे? प्रतीकात्मक सांस्कृतिक राजनीति करके लोग अपनी नाकामी और नाकाबिलियत को छुपाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई जगह है जहां नाम बदलने को प्राथमिकता दी जा रही है, अन्य कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है बहुत विनम्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आप जो कर रहे हैं उसकी हमारे लिए आर्थिक उपयोगिता, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज जो आप कैरी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि साथ में आप कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। और जैसे प्रयागराज था, हम लोग सब फोर्थ जनरेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, हमारे लिए कभी इलाहाबाद और प्रयाग में विरोधाभास नहीं था, दोनों ही नाम चलते थे, लेकिन आप उसको ला रहे हैं और उसके बाद आप विरोध भी ढूंढ रहे हैं कि अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन जिस बात पे पार्टियां आवाज उठा रही हैं या जनता अपनी आवाज उठा रही है वो ये है कि जमीन पर आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन जीरो है, आप एक फेलियर हैं, और उसको छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप इस तरह के प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं, तो 2019 में आपको जवाब मिलेगा। ये बिल्कुल शुद्ध राजनीति है। जी जी, आपका कहना ये बिल्कुल शुद्ध राजनीति है। और साथ साथ सईद अफजल अब्बास जी, जिस तरह से गिरिराज किशोर ने भी ये बयान दिया है, पूरे देश में नाम बदलने चाहिए, पूरे देश के नाम बदलकर
वो एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि मुगलों के जो नाम है वो भी उन्होंने दिए हुए नाम जो है वो शहरों के नाम बदलने चाहिए। आपका क्या ख्याल है? देखिए गिरिराज सिंह हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं, चूंकि हम एनडीए में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात वो कहेंगे उसको हम तस्लीम कर लें। बिल्कुल सही बात है कि जो नाम कई नाम जो हैं चेंज हुए, इसके पहले भी दिल्ली मुंबई बम्बे का नाम मुंबई हुआ, कलकत्ता का नाम कोलकाता हुआ, चेन्नई मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, वक्तन फ़क्तन होता रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि नाम चेंज कीजिए, कोई आपको आपत्ति नहीं। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने, कुछ लोगों को नहीं कसते, कुछ लोगों ने इतराज़ किया, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है। मकसद यह है कि नाम चेंज करने से बेहतर तो ये होता है कि काम पर ध्यान दिया जाए। और जहाँ तक मुगल की बात कह रहे हैं कि मुगलों के नाम मुगल भी यहाँ पे आए तो इसी धरती पर आ गए, वो ऐसा तो नहीं कि मुगल यहाँ से आ गए तो यहाँ चले गए, इसी मिट्टी को पसंद किया और इसी मिट्टी में दफन भी हो गए। तो मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता कि मुगलों के नाम बदले ना बदले, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नाम बदलती है। रिकमेंडेशन जाता है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार तो उसको रिकमेंड कर लेती है, तब तो होता है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है और वो जो चाहे करें, लेकिन इससे बेहतर तो ये होता है नाम जो उनको अच्छा लगता है सूट करता है चेंज करें। लेकिन हमको आवाम के काम पे फोकस देने की जरूरत है। बनस्बत किए हम किसी शहर का नाम बदल लें, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल लें, बदलिए, उनकी उनकी हुकूमत है, उनके केंद्र में भी राज्य में भी है। लेकिन हम इससे सहमत नहीं है कि हर जगह सिर्फ नाम बदलने से देश का विकास हो जाएगा, ये कहीं से उचित नजर नहीं आता जी। शरद जी क्या कहेंगे, जिस तरह से नाम एक बदले जा रहे हैं, लगातार नाम बदलने की कोशिश जारी है, और खास करके अब जबकि एक सामने खुला बयान दिया है कि गिरिराज किशोर ने कि मुगलों से जुड़े हुए जितने भी नाम है वो पूरी तरह से बदले जाए। गिरिराज किशोर से इससे ज्यादा एक्सपेक्टिंग किया जा सकता है, क्योंकि और कुछ करने लायक तो है नहीं वो। और वैसे ही इनकी पार्टी की हालत हो गई है कि सिंबोलिज्म पे सब जी रहे हैं, सिंबोलिज्म पे काम वाम करना तो है नहीं। अब उनको लग रहा है कि 4.5 साल हो गए और तमाम वादे जो नरेंद्र मोदी ने किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ चीज़ें हुई होंगी, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, तो अब वो कैसे करें? तो डाइवर्शन करो, कभी अयोध्या का नाम ले दो, कह दो कि कानून बनाएंगे, जो कि कानून नहीं बना सकते। वैसे ही इसके लिए है कि नाम बदल दो। इससे इनको प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं, घूम फिर के इनको हिंदुत्व कार्ड प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में, रिलीजन। और वो ये सोचते हैं कि नाम बदल बदल के इनकी हिंदुत्व पॉलिटिक्स जाग जाएगी। इनको ये नहीं समझ में आता कि अगर हिंदुत्व ही पॉलिटिक्स खेलना है तो भ्रष्टाचार कम करो, हिंदू धर्म ये भी कहता है, चोरी कम करो, लूट कम करो, कालाबाजारी कम करो, ये सब नहीं करेंगे जी, ये खाली सोचते हैं सिंबॉलिक, कोई काम कर दो उससे बड़ा भार काम बन जाएगा, नाम बदल दो। और कोई इतना रिडिकुलस चीजें हैं, जहां तक इसका भी सवाल है मैं आपको बताना चाहूंगा लोगों की जानकारी के लिए कि प्रयाग जो है वो ऑलरेडी, ये तो सबको मालूम है कि प्रयाग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन हिस्टोरिकली प्रयाग उस जगह का नाम था जो संगम के पास का एरिया था, और ये इलाहाबाद का कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से कोई मतलब नहीं है उस शब्द का। वो नाम रखा था, किला जब बनाया अकबर ने उसका नाम, ये जो किला बनाया गया था अकबर के जमाने में, अकबर ने उस किले का नाम रखा था इलाहाबाद, मतलब इला जो है वो हिंदी में डिवाइनिटी को कहते हैं और इलाही भी डिवाइनिटी को कहते हैं। तो अकबर ने ऐसा शब्द ढूंढा था, ये शो करता है सेकुलर क्रेडेंशियल्स उस शख्स के, उन्होंने ऐसा शब्द ढूंढा था कि चाहे हिंदी में चाहे अरेबिक में वो डिवाइन से, द अबोर्ड ऑफ द डिवाइन, डिवाइन के रहने की जगह स्थान ये रखा था इलाहाबाद, उसको अंग्रेजों ने इलाहाबाद बना दिया। अब वो इलाहाबाद बनके इनके समझ में आया अल्लाह वर्ड, तो इनका तो प्रॉब्लम ये है कि माइंडसेट इतना खराब है, इनको हर चीज में हिंदू मुसलमान दिखता है जी हर चीज में आपका कहना है कि नहीं हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। अनिता जी आप मानती हो इस बात को, लगातार राजनीति की जा रही है ऐसा इन सभी का आरोप है आप पर?
देखिए, इन लोग का जो आरोप है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा भारत एक संस्कार और संस्कृति का प्रदर्शन है और हमारा भारत एक संस्कार और संस्कृति से ही पनपा, ये इसकी एक मान्यता है। और अगर हमारी पुरानी सभ्यता, हमारी पुरानी संस्कृति अगर सामने आती है, उसको हम लाते हैं, तो इन लोग को पता नहीं क्यों आपत्ति हो जाती है। और नाम पहली बार चेंज नहीं हुए हैं, नाम कई जगह के, अम्बेडकर नगर का नाम चेंज हुआ है, आपके क्या कहते हैं नोएडा का नाम भी चेंज हुआ है, गौतम बुद्ध, नाम तो चेंज होते रहते हैं, उसमें दिक्कत क्या हो रही है? अगर इलाहाबाद नाम था, अगर उसको हमने प्रयागराज कह दिया जो सदियों से चल रहा था, उसमें इन लोगों को प्रॉब्लम क्या हो गई, हमें नहीं समझ में आता है। अगर इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अपना पुराना संस्कार संस्कृति पनप के आ रही है। और हम लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ संस्कार और संस्कृति की कमी होती जा रही है। अगर हम संस्कार और संस्कृति को लाना चाहते हैं, अगर हम नए संस्कार देना चाहते हैं, उसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? सबको दिक्कत केवल ये है भारतीय जनता पार्टी से, केवल एक दिक्कत है, मोदी जी को रोक दो, नाम बदलने से नहीं। आप सुन लीजिए, आप कह रहे काम क्या किया, काम किया, अगर हम आपको लिस्ट कर दें आपको समझ में आएगा। अभी 5 लाख योजना, आयुष्मान की योजना जो स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने की है, वो किसी ने आज तक नहीं किया। गरीब लोगों की 5 लाख की आयुष्मान योजना शुरू हो गई है, और उसके बाद आप बताएंगे। एक एक जी 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 एक से एक 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 से उनकी बात रखने दीजिए, हम आपको पूरा मौका देंगे। आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले जी। आप कम से कम आप बात पूरा सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं हमने काम नहीं किया, 5 करोड़ परिवारों को धुएं से मुक्ति की, उज्ज्वला गैस थी उनको। और हम लोगों ने आज GDP 8.2 था यूपी के सरकार में, और हमारी सरकार में 4 लगभग, और भारत की विश्व की 6th अर्थव्यवस्था बनी है हमारा इस समय भारत। उन्होंने कनाडा और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। और इसी तरह से हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि गरीब तबकों को, और कुछ योजना है जो है जी, जी अनीता जी, अनीता जी एक सेकंड के लिए जी, अनीता जी आप जो योजनाएं बता रही हो, आप जो लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी इनके समय में, नहीं इनके समय में लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी शौचालय की वजह से, आज कम से कम गांव में और स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए हैं, जिससे कि लड़कियां आज कम से कम पढ़ने जा रही हैं। इतना काम हमारे तो लड़कियों के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगी आप? अनीता जी, जो लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगी अनीता जी? जो लगातार बिहार में हो या यूपी में हो, जिस तरह से अपराध हमें उसमें क्या कंट्रोल हुआ है, लड़कियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो जिस तरह से छेड़खानी चल रही है, जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल हुआ है? नहीं नहीं, काफी पहले से काफी कंट्रोल हुआ है। इस बार देखिए, जो 16 से 17 का आंकड़ा, 17 से 18 का आंकड़ा देख लीजिए, काफी कम हुआ है। आप उसका आंकड़ा मैं लेकर नहीं, जब आपको दिखाती, 17 से 18 के आंकड़ों में काफी कमी आई है। देखिए जहां तक ये है हमारे, अब अभी आप भी देखिए, आज ही लखनऊ की घटना में माँ ने बेटे को हत्या कर दिया, बताइए घर घर पुलिस तो नहीं पहुंच सकती है? अब इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है, ये तो सोचना चाहिए ना कि जो एकदम से कम नहीं हो जाती। हम कहाँ कह रहे पुलिस घर में जाए, हम कहाँ कह रहे पुलिस घर में जाए, हम हमारा ये कोई कहना नहीं कि पुलिस घर में जाए। मैं हाँ वही तो कह रहे हैं ना आप जी, एक सेकंड के लिए कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते हैं। अनीता जी, अनीता जी, एक सेकंड के लिए खत्म नहीं, वो कम करने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। एक एक मुद्दा उठाएंगे अनीता जी, एक सेकंड के लिए। जुई सिंह से 18 का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। एक मिनट के लिए अनीता अग्रवाल आपको गुजारिश है कि थोड़ा एक एक मुद्दा उठाएंगे हम, एक एक मुद्दा, तो ताकि हमारी चर्चा जो है आगे बढ़ेगी। जुई सिंह, कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस बार ना कि सरकार काम नहीं कर रही है, तो हमने सरकार काम, चलो ठीक है ठीक है, वो आपको सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा उसका, आपको लगातार उसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप सत्ता में हो। लेकिन 27 के आसपास प्रपोजल्स जो है जुई जी, वो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास पड़े हुए हैं, और उसमें से उनका कहना है कि कुल मिला के 9 प्रस्ताव जो है नाम बदलने के, मतलब, और 16 जो है वो प्रोसेस में है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में 27 ऐसे अलग अलग नाम हैं वो बदले जाएंगे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है?
देखिए पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह याद दिला दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो ये लोग जो प्रपोजल लेके जा रहे हैं उसको भी कंसिडर कर लें, क्योंकि कोई कार्य तो इनको करना नहीं है, आर्थिक रूप से कोई कार्य नहीं करना है। उज्ज्वला योजना बहुत बड़ा घोटाला, ये जो बता रही है आयुष्मान भारत नॉट ऑन दी ग्राउंड, तो इनको अगर इसी दूसरी बात मुगल सराय, तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, GDP पांचवी अर्थव्यवस्था, एक नाम इन्होंने बदला था मुगल सराय स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया था। हम ये इनसे पूछ रहे हैं कि उस स्टेशन पे कितनी सुविधाएं बढ़ गईं। कभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र जाकर टिकट काउंटर पे टिकट कटाने की कोशिश करें, वहां भी बड़ा कंफ्यूजन है। तो इनके साथ कठिनाई ये है कि ये प्रपोजल्स चीजों को हवा में छोड़ते रहते हैं क्योंकि काम नहीं करना है। यदि आप अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन को देखें तो जमीन पर कोई भी नागरिक, आपकी डबल इंजन की सरकार है, बुलेट ट्रेन के लिए आप लैंड नहीं अक्वायर कर पा रहे हैं, जेवर में आपने रातों रात 4 गांव को आपको कॉम्पनसेशन नहीं देना था तो उनको आपने अर्बन कर दिया। तो अगर कच्चा चिट्ठा खुलेगा यहाँ पर तो नगर निगम का भी खुलेगा। आज ही कल शायद चीफ सेक्रेटरी ने एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि गंगा साफ करने के लिए हम उसमें से कचरा चुन चुन कर एक काल्पनिक जगह पहुंचा रहे हैं। अनिता जी थोड़ा सुनिए तो, अनिता जी उनकी बात रखिए। अपराधियों को संरक्षण दे रखा था आपकी सरकार ने। नहीं एक सेकंड, एक सवाल करना चाहूंगा सैयद अफजल अब्बास। कुलदीप सिंह सेंगर, विवेक तिवारी की हत्या। जुई सिंह, हम इस मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। नाम बदले जा रहे हैं और उसके पीछे क्या राजनीति है, उसके ऊपर क्या हर किसी राजनीतिक पार्टी ने ये सब आज अब तक नाम बदले हुए दिखाई दिए हुए हैं, तो इसको लेकर सैयद अफजल अब्बास, बिहार में भी नाम बदलने चाहिए इस तरह की जो बात की थी गिरिराज किशोर ने, उसको लेकर सवाल आपसे है कि 27 जो नाम फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास पड़े हुए हैं जो बदले जाएंगे, उसमें से कई सारे नाम आपके राज्य में भी है, बिहार में भी है, और वो प्रस्ताव क्या आपने दिए हुए हैं आपकी राज्य सरकार ने? देखिए जहां तक सवाल बिहार के कुछ शहरों का नाम, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है एग्जैक्टली कि कौन सी किसका नाम बदलने की बात है। मैंने कहा मैं नाम बदलने के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ कि बदला जाए। हाँ ठीक, बहुत से नाम बदले भी गए। मैंने पहले भी कहा कि बम्बई का नाम बदल के मुंबई कर दिया गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया, मद्रास का चेन्नई किया, लेकिन सिर्फ है एक फोकस देना कि सिर्फ नाम ही बदल देने से काम चल जाएगा, तो ये मुझे उचित नहीं लगता है। लेकिन सवाल जहाँ तक गिरिराज सिंह के बयान ये है कि मुगलों को बदल दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं इससे जो है आप समाज में द्वेष फैलने की संभावना क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। और हमेशा गिरिराज सिंह का बयान, अभी का बयान कि सारे हिंदुस्तान के जो राम के वंशज हैं, तो इस तरह का बयानात उनको नहीं देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ, प्रदेश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की बातें जो विवाद पैदा होता है इसे रोकना चाहिए। जो जरूरत है जहाँ पर नाम अमेंडमेंट करने के लिए, चेंज करने के लिए सरकार करे, सरकार स्वतंत्र है, लेकिन आवाम में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी देखना चाहिए। बिहार की जहाँ बिहार के चेंज करने की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करते होंगे, उचित होगा तो करेंगे, नहीं उचित होगा तो नहीं करेंगे। तो आपका कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ काम होने चाहिए, लेकिन शरद जी लगातार इस नाम को लेकर राजनीति हुई है, चाहे वो चेन्नई हो। देखिए नाम बदलने के साथ, देखिए नाम नहीं, कभी अभी बहुत मायावती की सरकार में बहुत से नाम चेंज किए गए, ठीक है, जो जिस पार्टी को होता है वो अपने लोगों के लिए, अपने जो उनके जो होते हैं उनको नाम रखता है या, लेकिन सवाल तो फिर गलत क्या है? हर कोई राजनीतिक पार्टी, हर कोई राज्य में इस तरह से अगर नाम बदले जाएंगे तो सिर्फ एक तरह से वो लगातार ये एक सिलसिला शुरू हो गया है, चेन्नई से लेकर जम्मू काश्मीर तक नाम लगातार एक दूसरे, जब भी राजनीतिक पार्टी बदल जाती है अपने नाम लाए जाते हैं। तो शरद जी ये कहां से शुरुआत हुई है? ये शुरुआत अगर हुई है जिस संजीदगी के साथ लोगों के प्रति जो प्राथमिकता होनी चाहिए उनके लिए, ये प्रक्रिया देश की कुर्बानी की, ये कुर्बानी थी। अब्बा जी एक मिनट के लिए शरद जी को बोलने दीजिए। अरे भैया आपसे नहीं पूछा है। अब्बा जी शरद जी से बात करनी चाहिए, शरद जी बात कीजिए। देखिए सबसे बड़ी ये इसकी शुरुआत वहां से हुई है, जब जब सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, जब वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है अपने फेलियर्स के, कि भाई हम काम तो नहीं कर पाए, जनता को कैसे भ्रमित करें, तो जनता को ले जाओ किसी और डायरेक्शन में, तो नाम बदल दो,
पब्लिक का वहां पे एजिटेट करेगी, भड़काना बड़ा आसान है नाम के नाम पे, इसीलिए, वरना नाम से क्या फर्क पड़ता है। बहुत पहले शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, लेकिन आजकल के नेताओं के सब कुछ नाम में ही है, काम में नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि काम करते नहीं है। काम में तो दिमाग में बैठा हुआ, आप जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहां पे वो कहते हैं हमने प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना दिया, अब गड्ढा मुक्त तो हुआ नहीं, गड्ढा युक्त है प्रदेश, बड़ी बुरी तरह से सड़कें बहुत खराब है, लेकिन अब वो क्या है कि नाम बदलने में लगे हुए हैं, सारा अटेंशन वहां है, पब्लिक अब नाम के पीछे पड़ी हुई है, वही सोचती रहेगी। अच्छा दूसरा यहां पे उद्देश्य यह भी है कि बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि नाम बदल करके हम अपनी हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा दे लेंगे, ये पता नहीं कैसा है, ये इससे होना कुछ नहीं है इनको वोट, लेकिन इनके उद्देश्य यही है कि इसको किसी तरीके से ये कर दो, इसका राजनीतिकरण हो जाएगा, इससे कम्युनलाइज हो जाएगा, ये सारा उद्देश्य। एक आपको एक चीज और बताऊं मैं, देखिए इनको इनको ये जो अनीता अग्रवाल बोल रही थी, इनको इतिहास भी नहीं पता है, इनको इलाहाबाद का जो इलाहाबाद मेन शहर है जिसका नाम अभी प्रयागराज रख दिया है, उसका नाम ओरिजिनल जो हिस्ट्री में पुराने बहुत पुराने इतिहास में वो प्रतिष्ठानपुर है जी। प्रतिष्ठानपुर इन्होंने सुना भी नहीं होगा, और वो इसका ओरिजिनल नाम था, इनको रखना ही था, बहुत ओरिजिनल का हिस्ट्री की बात करते हैं। ये खाली उद्देश्य ये है, इनको लगता है कि इलाहाबाद मुसलमानी नाम है, नहीं है वो, नहीं है, अल्लाह से कोई मतलब नहीं उसका, इनको बताने के लिए बड़ा जरूरी है, ये खाली भ्रमित करने के लिए है जी। आप कह रहे हो बस पर्पस किसी तरीके जी, से आप, आपके इस मुद्दे पर आऊंगा, इसका कुछ फायदा मिल जाए, मिलेगा कुछ नहीं जी, एक इस मुद्दे के ऊपर जरूर आऊंगा और सवाल पूछेंगे हम, लेकिन हमारे साथ फिलहाल दर्शक जुड़े हुए ओसामा अजीज लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ओसामा जी आपका क्या कहना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द लर्नड पैनलिस्ट, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ आपके कि आई एम जस्ट ऑन द मिरर नाउ। तो मेरा एक हम्बल समिशन है कि इट्स द गवर्नमेंट, इट्स देयर पॉलिसी, वो जो चाहे नाम रखें, जो चीज रखे, इसे समझे, जो प्रायोरिटी रखें, लेकिन हु इज गोइंग टू बियर द कॉस्ट, कॉस्ट किस पे आएगी अल्टीमेटली? आप जो चाहे नाम रखें, जिस चीज को चाहे नाम चेंज कर दें, अल्टीमेटली जो कॉस्ट चेंज बदलेगी, जो करेंसी बदलेगी, उसकी कॉस्ट किस पे आएगी? हम तो एक हम्बल सिटीजन है, वी आर गोइंग टू सफर जी। किस तरह से सफर करेंगे आपको लगता है ओसामा अजीज? आप किस तरह से सफर होते हो, आपको क्या लगता है किस तरह से सफर होते हो आप? सफर सर इस तरह से होते हैं कि राइट नाउ इंडिया इज रनिंग ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग सिस्टम, और हम उसमें कम से कम रिजर्व पे मोंग इश्यू होता है। अभी जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज किया, प्रयाग नारायण रखा गया, नो डाउट आपने कई पेपर्स चेंज किए होंगे, सब चीज प्रिंटिंग हुई होगी, कॉस्ट आई है, गूगल पे मैं देख रहा था 41,000 करोड़, माइट बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है अप्रोक्सीमेट खर्च हुआ हो, कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू विदड्रॉ दिस फंड फ्रॉम विच, आपका उसको करेंसी अलग से अकाउंट नहीं है, जो भी आप जी, एक अहम मुद्दा है जी, बिल्कुल एक अहम मुद्दा है। अगर एक 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 अनीता जी सवाल उन्होंने यही पूछा है कि जो विकास के लिए आपके पास पैसा नहीं बचता है, किसानों के लिए आपके पास पैसा नहीं बचता है, फिर ऐसे समय में जब इस तरह से नाम एक दिन में बदले जाते हैं, तो नाम बदलने के बाद आप पैसा कहाँ से लाते हैं? देखिए ये जो इलाहाबाद का नाम हुआ है, इसमें अब कुंभ चल रहा, कुंभ का है, वहाँ पे संतों की डिमांड थी, काफी लोगों की वहाँ पे ये मांग थी कि इसके नाम को चेंज कर दिया जाए। इसका जवाब दीजिए ना, जो 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 शरद जी ने बताया आपको, पूरा कर दिया है, तो उसमें उस शहर का नाम पहले पाकिस्तानपुर था। नहीं, शरद जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन शरद जी जो कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, ये वो गलत कह रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, जो हम सड़क बनाते हैं वो खाली हिंदुओं के लिए नहीं बनाते हैं, जो हम शौचालय बनाते हैं वो खाली हिंदुओं के लिए बनाते हैं, जो हम स्कूल बनाते हैं खाली हिंदुओं के लिए नहीं बनाते हैं, जो अस्पताल बनाते हैं वो खाली हिंदुओं के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरी सरकारें मुस्लिम महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि पीएम जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति वो लोग करते हैं, हमने तो कभी आज तक ऐसा कहा ही नहीं है। और यहाँ पर हमारी जो समाजवादी पार्टी की बड़ी बहन, वो भी यही कहते हैं कि हम मुसलमान भाइयों का, मुसलमान का कार्ड हमने कभी नहीं खेला, केवल ये लोग खेलते हैं और बदनाम हमको करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति ये करते हैं, कहते हैं हमको है, हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं वो सबके लिए ला रहे हैं। आप लोग में, आप लोग का लिए होता है मुस्लिम कन्यादान, आप लोगों ने दिया, हमने सबको दिया,
तो हमारी राजनीति बिल्कुल साफ है, पाक है, नियत भी साफ है, सब साफ है। हम लोग कभी कोई ऐसा गलत नहीं करेंगे। आज इनका एक मोटो है, केवल एक इनका है कि केवल मोदी जी को रोको, गठबंधन करो, बस। नहीं, एक सेकंड अनिता अग्रवाल हम नाम के लिए इसी ये चर्चा में नाम के लिए हम सीमित रहेंगे। जैसे कि आप हमेशा कहती आई हो कि देश बदल रहा है, तो नाम भी बदल रहे होंगे। जूही सिंह, नाम बदलने के पीछे आपने बता दिया कि राजनीति है, चलो ठीक है, राजनीति है, तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक ये राजनीति की है, और वो तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक की ये राजनीति चलती आई है, चलती रहेगी। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, हमने क्वेश्चन ये किया, जूही सिंह, जूही सिंह को बोलने दीजिए, इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? जूही सिंह बात कीजिए। अनिता अग्रवाल सुनिए, अनिता अग्रवाल जूही सिंह को सवाल किया है, मैडम अनिता अग्रवाल जूही सिंह को सवाल किया, उन्हें बोलने दीजिए। हम ये कह रहे जी, जब केवल नाम बदलने की राजनीति 4 साल और 2 साल उत्तर प्रदेश में हो रही है, विरोध इसका है कि आपकी योजनाएं कहाँ हैं। वो मुसलमान कन्या धन नहीं था, वो कन्या विद्या धन था। दूसरी बात, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे हमने बनाया, उसमें सभी धर्मों के लोग चलते हैं, लेकिन कठिनाई ये है कि एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर नहीं है। ऐसे में आप और कर्ज लाद रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर, और आप कह रहे हैं कि हम इसका नाम, मतलब विरोध भी भारतीय जनता पार्टी ही ढूंढ रही है, क्योंकि इन्होंने ही ये क्रेडिट लेकर बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश के लोग अब जन्म से लेकर अब तक सांस्कृतिक एक जिसको कहते हैं बबल में जी रहे थे, और इन्होंने हमारा आकर उद्धार कर दिया है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग वर्षों से जनरेशन से पढ़ रहे थे, उसका नाम इन्होंने बदल दिया। आप उस यूनिवर्सिटी को पैसा दे रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र की यूनिवर्सिटी है। आप क्या कर रहे हैं वहां पर, हाई कोर्ट है, उसका नाम आप बदल रहे हैं, कि हम लोग के सर्टिफिकेट में भी नाम बदला जाएगा। अलाहाबाद का एक एग्जाम्पल है, अब आप शिमला का आप बता रहे हैं, अन्य जगहों का, क्या यही मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज हुआ था? इसकी प्रायोरिटी बना देते हैं, आपकी प्राथमिकता में मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज हुआ है मैडम। लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज था, उसका भी नाम चेंज हुआ। ऐसा नहीं है कि कहे विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज के नाम चेंज नहीं होते हैं, सबके ही नाम चेंज होते हैं, और नाम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नाम चेंज, एक सेकंड अनिता जी राजनीति कर रही है, एक सेकंड, नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा डिमांड थी, हमारे संतों की डिमांड थी, हम संतों का आदर करते हैं, हम संतों का आदर करते हैं, संतों की डिमांड थी, वो संतों का आदर कर लिया, तो चलो ठीक है। एक सेकंड अनिता अग्रवाल आपने संतों के लिए ये काम किया है, आपने ये संतों के लिए काम किया, आपका ये भी कहना है कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दर्शक की बात सुनते हैं, रुकिए, आप रुकिए, दर्शक की बात सुनते हैं। चंद्रा हमारे साथ मौजूद है मुंबई से, चंद्रा आपका क्या कहना है? ऐसी है कि बीजेपी ने जो जन्म लिया 52-53 के पास, और उनको 52-53 के बाद जन्म लेकर इन लोग ने जब पावर में आया, इनको एक ही डिसीजन है, पूरा हिंदुस्तान की नाम बदलना है। इससे सिवा और कुछ अच्छे काम जो महंगाई के ऊपर चल रहे, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे, और मेडिकल है, ये है, उसी चीज को ऊपर ध्यान नहीं है। लोगों को दशा टर्न करने के लिए इन लोग बीजेपी के नाम शपथ ले आया, हम सबका नाम बदलेंगे, कल बोलेंगे जो बच्चे जन्म हो रहे उसको भी नाम हम लोग दे देंगे। इस तरीके से बीजेपी के रूल चल रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो, हमारा शिवसेना का हो, हिंदुस्तान में इतने लोग थे कि उसके बारे में सोचते नहीं है, खाली इन लोग नाम बदलने में। इट्स अ फुलिशनेस ऑफ दिस बीजेपी, आई फील दे आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। आपका कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, और एक तरह से अनिता जी आपने भी कहा कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप नाम क्यों बदले जा रहे हो? हमने बोला ना, संतों का आदर करना, संतों का आदर हमारे संस्कार है, हमारे ठीक है, संतों की बात आपने मान ली, क्या दिक्कत है हमारे संतों का? एक सेकंड अनिता जी कोई बात नहीं, आपने संतों की बात मान ली, नाम रखा जाए, एक सेकंड आपने संतों की बात मान ली, हम भी मान लेते हैं कि संतों की बात आपने मान ली, लेकिन लोगों का क्या है? आम आदमी जो है, आम आदमी की कई सारी ऐसी बातें, उनकी कई सारी ऐसी मांगे हैं, कई सारे महिलाएं आपके राज में जो है वो अभी असुरक्षित है,
उन्हें 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 लगातार छेड़ा जाता है, उन्हें लगातार पुलिस उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा सामने आती रहती है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं नहीं देखिए, पुलिस की व्यवस्था काफी सुधर रही है, ऐसा नहीं है। आज भी योगी सरकार ने कल घोषणा की है पुलिस वालों के लिए कि हम जो है उनके लिए अलग वो पुलिस भर्तियां बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं देंगे। पुलिस की व्यवस्था भी सुधर, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस की काफी कमी है, उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं, उसकी कमी पूरी करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पहले से थोड़ा थोड़ा काफी बदलाव आया है, आप इस चीज को देखे महसूस करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो पहले अपराध थे, पहले जो थे अपराधी जो थे खुद मंत्री बने बैठे थे, बलात्कारी मंत्री बने बैठे थे, पुलिस वो पुलिस से सीओ को पकड़ के पूरे उसमें घुमाते थे, इन्हीं की सरकार में होता था जो कि थाने में जाकर बवाल मचाते थे, हल्ला बोलते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए, नहीं तो आवाज में एक दूसरे की आवाज काटने से कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने बलात्कारियों को ही मंत्री बना के रखा था। एक सेकंड क्या एक सेकंड अनिता अग्रवाल तो नहीं है, अनिता अग्रवाल हम चर्चा जो है केंद्रित करेंगे फिर एक बार हम लोग नाम के ऊपर लाएंगे चर्चा को, क्योंकि लगातार नाम को लेकर ये राजनीति की जा रही है। और जबकि आपने कहा है कि संतों का आदर करते हुए आपने ये नाम बदला हुआ है, और गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि मुगलों का जो नाम दिया गया है, मुगलों ने जो नाम दिया हुआ है वो नाम भी हम बदलेंगे, उसके ऊपर आपकी क्या भूमिका है? अब उन्होंने किस परिवेश में कहा, कहाँ कहा है, वो उनके स्टेट का मामला, उन्होंने गिरिराज ने क्या कहा है। लेकिन हमारा जो है ये इलाहाबाद का नाम संतों के कहने पे चेंज किया गया, संतों की बड़ी डिमांड थी कि कुंभ से पहले इसके नाम को बदल दिया जाए। एक सेकंड अब्बा जी, हमारे योगी जी अब्बा जी संत है, महंत है, तो उन्होंने उनकी बात का माना है, इसलिए कम से कम इसका सबको सम्मान करना चाहिए, बल्कि उनका प्रशंसा करनी चाहिए कि हमारे आज भी ऐसी संस्कार और संस्कृति है जो हम संतों का एक सेकंड संस्कार और संस्कृति के बारे में भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, एक सेकंड के लिए रुकिए अब्बा जी, आपको सवाल सीधे है। अब जाके बिहार में अगर आने वाले दिनों में नाम बदले जाएंगे तो जैसे कि प्रस्ताव दिया जाता है, फिर वो प्रस्ताव आगे बढ़ता है ह्यूमन मिनिस्ट्री के पास, होम मिनिस्ट्री के पास, तो जाहिर सी बात है आप सीनियर नेता है, बिहार से अच्छे खासे वाकिफ हो आप, तो इतने सारे नाम बिहार में हैं जो मुगलों की के ज़माने से आए हुए हैं, मुगलों के नाम के ऊपर से दिए गए हैं, तो ये सब नाम अब बदले जाएंगे, तो क्या आपकी सरकार ने आपके सरकार के तहत ये नाम बदलने के प्रस्ताव अब भेजे गए हैं? देखिए पहले मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि कौन किस किस चीज का कौन किस जगह किन जगहों का नाम के लिए चेंज करने के लिए भेजा गया, लेकिन जहां तक मैं फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, बिहार के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, और नीतीश कुमार जी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा हवा में बात नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ जो अच्छा होगा उसे किया जाएगा। मैं फिर मैं कह रहा हूँ कि नामों पे कुछ रखा हुआ नहीं है, लेकिन नाम सिर्फ नाम बदल के और एक अलग एटमोसफेयर क्रिएट किया जाए वो ठीक नहीं होगा। मुगलों की जहाँ तक बात बार बार की जा रही कि मुगल की बात, आप देखिए हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की आज़ादी में, आप जाइए इंडिया गेट पे जाइए, लगभग 93-94 हज़ार स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है, उसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 61-62 हज़ार मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। तो इसको ये क्या कहने का मतलब है कि मुगल का, हिंदू, मुसलमान, ये देश सबका है, जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जो महापुरुष है देश के, जिनका योगदान इस देश की एकता अखंडता के लिए, उनके नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम सबको बिहार में कोई इस तरह का मुगलों का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव आपकी तरफ से नहीं गया हुआ? मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी तक नहीं है। अगर आपने ये आपके जरिए खबर मिली है तो मैं इसकी अगले डिबेट होगा तो मैं इसे तहकीक करके आपको जरूर जी। गिरिराज किशोर का ये कहना है कि ये पूरे नाम जो है वो बदले जाएंगे। जी बिल्कुल अब्बा जी शुक्रिया, सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन साफ साफ ये बात जाहिर सी दिख रही है कि काम अहम है, लोगों का भी ये कहना है कि काम बहुत ही अहम है, और
नाम के बजाय अगर काम दिखाया जाए तो ही अच्छी राजनीति की जा सकती है। और साथ साथ हमें देश बदलना बदलते हुए दिखना चाहिए। देश बदल रहा है ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन देश बदलते हुए दिखना चाहिए। और साथ साथ नाम बदलने के बजाय देश अच्छी तरह से अगर बदला जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल यही रुकते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे नाव पर बाकी खबरों की ओर मुड़ेंगे।